लड़के पंपिंग के लिए, ताकि हमारी बॉडी के हर सेल्स में ब्लड और ब्लड में घुल के ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंच सके। तो हार्ट हमारा वो मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारे ब्लड को लगातार पंप करता है, जिसके अंदर डिसॉल्व होता है ऑक्सीजन और पोषक तत्व, जिससे हमारे सेल्स को मिलती है लगातार मात्रा में ऑक्सीजन और पोषक तत्व। तो जब बात आती है हार्ट की, तो हार्ट का हमारे लिए महत्व क्या है? हार्ट वो ऑर्गन है जो लगातार ब्लड को पंप करके उसमें मिक्स करता है ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट को, और ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट रिस्पॉन्सिबल है हमारी सेल के हेल्थ के लिए। अगर किसी भी बॉडी सेल्स को लगातार ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, द सेल विल स्टार्ट टू डाई। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारी बॉडी की हर सेल हेल्दी रहे, उसके लिए हर सेल में ब्लड का जो सप्लाई है वो रहना चाहिए बेहतर, और ब्लड की सप्लाई को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है हमारा हार्ट। और जब बात करते हैं हार्ट की, आज के टाइम पे हमारे आसपास चारों तरफ जो हार्ट का प्रॉब्लम है लगातार बढ़ता जा रहा है, और अगर बात करें वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, वो कौन से ऐसे कारण हैं जिनसे हमारे आसपास लगातार बढ़ रहा है हार्ट डिजीज की समस्याएं। तो पहला फैक्टर आता है यहाँ पे एज, यानी कि उम्र। और आमतौर पे जिस जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स है, और खासकर हार्ट प्रॉब्लम है, उसकी संभावनाएं बढ़ जाती है, और मेंस में खासकर जो एज है आफ्टर द 50, उसमें संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर किसी भी इंसान का, मेल हो या हो फीमेल, अगर उसका लाइफस्टाइल इनएक्टिव है, यानी वो फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम करता है, तो उससे प्रॉब्लम बढ़ सकती है। उसके अलावा अगर किसी को भी प्रॉब्लम है, कोई भी मेटाबॉलिक डिजीज है या डायबिटीज है, या उसके परिवार में है हार्ट की पुरानी कोई पेशेंट, या पुराना कोई लक्षण, पुराने कोई रोग, या इसको हो सकते हैं जेनेटिक प्रॉब्लम है, बीपी हाई रहता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, या वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, या इंसान अगर करता है बहुत ज्यादा स्मोकिंग, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर किसी को तनाव बहुत ज्यादा रहता है, तो इन सब से जो हार्ट डिजीज की संभावना है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जब बात करते हैं हार्ट डिजीज का, तो हार्ट डिजीज को हम कर सकते हैं चार कैटेगरी में कैटेगराइज्ड, और डाटा ये कहता है कि हार्ट डिजीज क्या है। हार्ट डिजीज हर प्रकार के कैंसर को अगर मिला दिया जाए, तब भी हर साल पूरे वर्ल्ड में होती है मोर डेथ बिकॉज ऑफ हार्ट प्रॉब्लम। तो जब बात हम करते हैं हार्ट डिजीज का, तो इसके चार मेन कैटेगरी है। पहला है हार्ट अटैक। अभी क्या होता है, ब्लड का जो फ्लो है वो अगर हमारे हार्ट में पार्शली या बिल्कुल कंप्लीटली कट ऑफ हो जाता है, उससे होता है हार्ट अटैक का प्रॉब्लम। और ये क्या होता है, मोस्टली इसका जो फैक्टर है, कॉज है, वो है ब्लॉक आर्टरीज, यानी जब भी किसी धमनी में ब्लॉकेज हो जाता है तो ब्लड का जो सप्लाई है वो हार्ट से कट जाता है, रुक जाता है, एंड दैट मे कॉज हार्ट अटैक प्रॉब्लम। और जब ब्लड का फ्लो रुकेगा तो ऑक्सीजन भी हार्ट को नहीं मिलेगा, एंड दैट विल कॉज हार्ट अटैक प्रॉब्लम। सेकेंड कैटेगरी इज हार्ट फेल्योर। इसमें क्या होता है, जब भी हमारा हार्ट ब्लड को पंप ना कर पाए तो उसको बोलते हैं हार्ट फेल्योर। और हार्ट अटैक में इंसान बच सकता है, लेकिन अगर किसी का हो जाता है हार्ट फेल्योर, तो दैट में लीड टू डेथ, क्योंकि वहां पे हार्ट काम करना, पंपिंग करना बंद कर देता है। थर्ड कैटेगरी जो सबसे कॉमन है हार्ट डिजीज में, उसको बोलते हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज, CHD। ये सबसे कॉमन हार्ट डिजीज है। और इसमें क्या होता है, जब भी हमारी दो कोरोनरी आर्टरीज के बीच में बन जाता है प्लैक, यानी कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल जब बढ़ जाते हैं तो उससे ब्लॉकेज बन जाती है, और उसको बोलते हैं प्लैक फॉर्मेशन। जब भी प्लैक बढ़ेगा तो उससे जो दो आर्टरीज हैं उनके बीच में वो ब्लॉकेज बढ़ के ब्लड का सप्लाई प्रभावित हो सकता है, और कोरोनरी हार्ट डिजीज है
सबसे बड़ा फैक्टर जिससे होती है हार्ट के कारण सबसे ज्यादा मौतें। और चौथा कैटेगरी है स्ट्रोक प्रॉब्लम। ये क्या होता है, जब भी हमारे ब्रेन के अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो रुक जाता है, कम हो जाता है, उससे हो जाता है स्ट्रोक का प्रॉब्लम। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका हार्ट हेल्दी रहे और हार्ट से जुड़े जो भी फंक्शन है वो रहे नॉर्मल, तो नेचुरली अगर आप चाहते हैं अपने हार्ट हेल्थ को और ज्यादा बेहतर करना, उसके लिए ये कुछ काम है जो आपको करने पड़ेंगे, हाउ टू कीप योर हार्ट हेल्दी। तो इसमें अगर आप चाहते हैं कि आपका हार्ट रहे बेहतर और आप बचे हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम से, तो सबसे पहले आपको अपने खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा। जो बहुत ज्यादा ऑयली फूड है, बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड है, उनको आपको इनटेक को कम करना पड़ेगा। आपको अपनी एक्टिविटीज को बढ़ाना पड़ेगा, यू हैव टू बी फिजिकली मोर एक्टिव ताकि आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ सके। उसके साथ साथ कोशिश करें अपने वेट को मेंटेन करने का, और अगर स्मोकिंग करते हैं उसको क्विट करना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम पे जो ब्लॉकेज होती है ना, उस ब्लॉकेज में बहुत बड़ा रोल आता है स्मोकिंग का। तो स्टॉप या क्विट स्मोकिंग। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं हार्ट हेल्थ रहे और ज्यादा बेहतर, तो आपको चेक करना है अपने कोलेस्ट्रॉल और बीपी के लेवल को ताकि हार्ट का फंक्शन बना रहे नॉर्मल। और अगर कोई कंज्यूम करता है अल्कोहल, उसकी मात्रा को भी आपको कम करना पड़ेगा। और बहुत महत्वपूर्ण है तनाव को कम करना। तनाव एक बहुत बड़ा आधुनिक फैक्टर है जिससे हार्ट के अलावा बॉडी बहुत सारी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और ये सब कंट्रोल करके अगर आप चाहते हैं कि आपके हार्ट का जो फंक्शन है वो और ज्यादा बेहतर बने, या हार्ट के अंदर जो भी कुछ डेफिशिएंसी क्रिएट हुआ है वो बने नॉर्मल, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं कुछ शानदार हार्ट फंक्शन सपोर्टिंग सप्लीमेंट। तो सात फैक्टर पहले आपको खुद कंट्रोल करने पड़ेंगे, उसके साथ आठवां जो फैक्टर है अपने हार्ट को देना सपोर्ट बाय सम नेचुरल सप्लीमेंट। उसके लिए आपके पास है क्यू इंडस्ट्रीज के शानदार बेहतरीन हार्ट केयर के प्रोडक्ट। जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये चार शानदार प्रोडक्ट हैं, चार शानदार उत्पाद हैं जो बनता है एक बहुत कमाल का कॉम्बो फॉर बेटर हार्ट हेल्थ। इसमें आप कंज्यूम कर सकते हैं क्वेंजेम Q10 ड्रॉप, हार्ट केयर जूस, कोलेस्ट्रॉल केयर टैबलेट और कीवा अकाई जूस। सबसे पहले अगर बात करें क्वेंजेम Q10 का, तो क्वेंजेम Q10 एक बहुत ही कमाल का ड्रॉप फॉर्मुलेशन है और ये हमारे हार्ट के लिए होता है बहुत ही क्रूशियल। तो जब बात आती है क्यों लेना चाहिए क्वेंजेम Q10 ड्रॉप को, तो क्वेंजेम Q10 एक बहुत पावरफुल है एंटीऑक्सीडेंट जो हमारी बॉडी की हर सेल्स में पाया जाता है। क्या होता है, जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है उसका एजिंग बढ़ता रहता है, या उसको हो जाती कोई प्रॉब्लम बीमारी जैसे कैंसर, जेनेटिक प्रॉब्लम, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, एड्स प्रॉब्लम, मस्कुलर प्रॉब्लम या मेमोरी लॉस हो जाता है, तो उन सब केसेस में जो बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर लेवल है क्वेंजेम Q10 का वो कम हो जाता है। उसके साथ साथ अगर कोई लेता है कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग मेडिसिन, उससे भी हो जाता है लो लेवल ऑफ क्वेंजेम Q10 इन द सेल। और सेल में जब भी इसका लेवल गिरेगा तो बॉडी का जो एनर्जी लेवल है वो भी गिरना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो एनर्जी बनती है उसके लिए हमारे ब्लड में जाता है ग्लूकोज, ग्लूकोज ब्लड से निकल के जाता है हमारी सेल्स में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जहां पे ग्लूकोज से मिलता है क्वेंजेम Q10 और बनाता है ATP यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एनर्जी। तो जब क्वेंजेम Q10 का लेवल गिरेगा तो ATP कम बनेगा, और ATP कम बनेगा तो एनर्जी भी कम बनेगा, इससे हमारा जो एनर्जी लेवल है वो डाउन हो जाता है और बॉडी केमिकल सिस्टम भी हो जाता है कमजोर। तो अगर आप यूज करते हैं कीवा क्वेंजेम Q10 ड्रॉप, इसके फायदे क्या है, सबसे पहले इसके इस्तेमाल से आपका इम्यून सिस्टम बनेगा और ज्यादा बेहतर। उसके अलावा आप बच सकते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर से, यानी इसके इस्तेमाल से हार्ट का जो पंपिंग है वो रहेगा शानदार और आप बच सकते हैं हार्ट फेलियर की
समस्या से। उसके अलावा ये हेल्प करेगा बीपी और कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने में। उसके साथ साथ अगर किसी को है क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, यानी हमेशा रहती है थकावट या काम करने का मन नहीं करता, सुस्ती है या रहता है लो एनर्जी लेवल, उसको बेहतर करने में, ठीक करने में हेल्प करेगा कोएंजाइम Q10 ड्रॉप, कम करे कमजोरी को बचाएगा थकान से और तनाव से। उसके साथ साथ कोएंजाइम Q10 बचाएगा माइग्रेन और सरदर्द की समस्या से। उसके अलावा अगर आप करते हैं एक्सरसाइज और उससे चेस्ट में जो पेन होता है उसको कम करने में हेल्प करेगा कोएंजाइम Q10 ड्रॉप। उसके साथ साथ इसके इस्तेमाल से अगर किसी को है कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसके साइड इफेक्ट को भी आप कर सकते हैं कम बाय यूजिंग कोएंजाइम Q10 ड्रॉप। उसके अलावा ये बहुत शानदार काम करता है अस्थमा में, डायबिटीज में और ब्रेस्ट कैंसर की समस्या में। उसके अलावा इसके इस्तेमाल से हमारा जो ब्रेन फंक्शन है वो बनेगा और ज्यादा बेहतर, मेमोरी अच्छी बनेगी और मिलेगा शानदार फोकस और कंसंट्रेशन। तो इन सब फायदों के लिए आप यूज कर सकते हैं कीवा कोएंजाइम Q10 ड्रॉप। मात्रा कितना, 10 ड्रॉप सुबह 10 ड्रॉप शाम को आप लीजिए इसका सुबह शाम खाली पेट। इसके साथ अगर आप चाहते हैं कि हार्ट का जो हेल्थ है वो बने और ज्यादा बेहतर, तो साथ में आप ऐड कर सकते हैं हार्ट केयर जूस। और जैसा कि नाम है हार्ट केयर जूस, ऐसा शानदार जूस फॉर्मुलेशन है जो करेगा हार्ट की देखभाल, क्योंकि ये है एक 100% नेचुरल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन जो ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर करेगा, हार्ट मसल्स को मजबूती देगा और हेल्प करेगा हार्ट हेल्थ को और बेहतर करने में। तो जब बात करते हैं इस शानदार जूस के फॉर्मुलेशंस का, तो प्रत्येक 10 ml में आपको मिलेगा 3 ml एलोवेरा जूस, 50 मिलीग्राम गूगल एक्सट्रैक्ट, 200 मिलीग्राम अर्जुन छाल, 60 मिलीग्राम दालचीनी, 40 मिलीग्राम जटामंसी, 100 मिलीग्राम अशोका छाल और 120 मिलीग्राम मिलेगा त्रिफला फ्रूट एक्सट्रैक्ट। तो ये है हार्ट केयर जूस का शानदार बेहतरीन फॉर्मुलेशन। और जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, तो आपको क्या लाभ मिलेगा? सबसे पहले इसके इस्तेमाल से हार्ट का हेल्थ बनेगा और ज्यादा बेहतर, फंक्शन का बनेंगे और ज्यादा अच्छे, कोलेस्ट्रॉल और बीपी रहेगा कंट्रोल में। उसके अलावा हार्ट का जो पंपिंग पावर है वो बनेगा और ज्यादा बेहतर और आपके हार्ट मसल्स को मिलेगी और ज्यादा सपोर्ट और ज्यादा मजबूती, ताकि उसका फंक्शन रहे और ज्यादा बेहतर। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके हार्ट का फंक्शन बेहतर बने, उसका पंपिंग रहे शानदार, चेक में रहे लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड बीपी, तो आप यूज कर सकते हैं कोएंजाइम Q10 के साथ में हार्ट केयर जूस। और मात्रा है इसका 15 से लेके 20 ml सुबह शाम खाली पेट आप लेंगे हार्ट केयर जूस। इसके साथ साथ तीसरा प्रोडक्ट जो आपकी हार्ट को देगा शानदार प्रोटेक्शन, वह है कोलेस्ट्रॉल केयर टैबलेट। और जैसा कि नाम है कोलेस्ट्रॉल केयर टैबलेट, ये हेल्प करेगा कोलेस्ट्रॉल लेवल को रखने में नॉर्मल रेंज में, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हमारे हार्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में नहीं रहेगा तो हमारी बॉडी में होगा हार्मोन में इम्बैलेंसिंग और हार्ट को एनर्जी भी नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, दैट मे बी प्रॉब्लमेटिक फॉर अवर हार्ट हेल्थ। तो जब हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल केयर टैबलेट का, तो इसकी प्रत्येक टैबलेट में आपको मिलेगा एक्सट्रैक्ट जिसमें होता है गोक्षुरु, आंवला, अर्जुन, शंख पुष्पी, सर्पगंधा, पुष्प करमूल, अश्वगंधा, दालचीनी, वीट यानी गेहूं के जवारे और म्यूजल। तो यह है कमाल का बेहतरीन, बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला कोलेस्ट्रॉल केयर टैबलेट का। हर टैबलेट में आपको मिलेगा गोक्षुरु, आंवला, अर्जुन छाल, शंख पुष्पी, सर्पगंधा, पुष्प करमूल, अश्वगंधा, दालचीनी, गेहूं के जवारे और म्यूजल का एक्सेक्ट। और जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, तो इससे आपको मिलेगा बहुत सारे फायदे, जैसे
ये हेल्प करेगा गुड कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल को बढ़ाने में, कम करेगा बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल को, उसके साथ साथ जब कोलेस्ट्रॉल लेवल रहेगा मेंटेन, बैड कोलेस्ट्रॉल कम होगा, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, तो उससे हमारे हार्ट का जो हेल्थ है वो बनेगा और ज्यादा बेहतर। उसके अलावा बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जो भी है एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल उसको करेगा ये बैलेंस और विदाउट एनी साइड इफेक्ट, जिससे हमारे हार्ट का फंक्शन बनेगा और ज्यादा बेहतर। और अगर बात करें इसके डोसेज का, तो ये आपको लेना चाहिए एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को, खाली पेट आप इसका करेंगे इस्तेमाल खाना खाने से कम आधा घंटा पहले। तो ये था पॉइंट नंबर 3 फॉर बेटर हार्ट हेल्थ। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके हार्ट का फंक्शन बने और ज्यादा बेहतर और बॉडी को मिले शानदार न्यूट्रिशनल सपोर्ट, तो इसके साथ आप ऐड कर कीवा अकाई जूस। और कीवा अकाई जूस एक बहुत शानदार कीवा का उत्पाद है, जिसमें आप मिलते हैं 21 प्रकार के हर्ब्स का, फलों का एक्सट्रैक्ट, और ये 21 इसके अंदर जो शानदार फ्रूट्स हैं एक्सट्रैक्ट हैं, इनसे मिलते हैं हमें शानदार मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि इसमें आप मिलता है एक्सट्रैक्ट अकाई, ग्रेपसीड, पाइनएप्पल, एप्पल, अमेरिकन परसोमिनम, कैपिचू, कैमू कैमू, स्ट्रॉबेरी, मलबेरी, प्रिकली पियर, पोमीग्रेनेट, एल्डरबेरी, यमी बेरी, बिलबेरी, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, चेरी, क्रॉनबेरी, रसबेरी, अरोनिया, एसरोला के साथ कुल मिला के आपको मिलते हैं 21 प्रकार के अलग अलग फ्रूट्स और हर्ब्स का एक्सट्रैक्ट, और ये बनता है एक बहुत ही पावरफुल सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, जो देता है हमारी बॉडी को शानदार इम्यूनिटी और बचाता है हमारे हार्ट को डैमेज से। तो जब बात करते हैं कीवा अकाई जूस का, इसके बहुत सारे बॉडी के लिए बेनिफिट है। सबसे पहला फायदा क्या है, इसके इस्तेमाल से आप अपनी बॉडी को और हार्ट को बचा सकते हैं फ्री रेडिकल्स के डैमेज से, क्योंकि जो भी बॉडी बनते हैं फ्री रेडिकल क्या करते हैं, वो हमारी सेल को पहुंचाते हैं नुकसान, और सेल को जब नुकसान होता है तो सेल का एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है, और उससे बहुत सारी बॉडी में बीमारियां भी हो जाती हैं, जैसे हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज या कैंसर। तो जब आप यूज करेंगे कीवा अकाई जूस, तो आपको मिलेगा बहुत शानदार मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, जो करेंगे रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज, देंगे आपको शानदार प्रोटेक्शन, शानदार इम्यूनिटी, और देंगे आपको शानदार कहीं प्रोटेक्शन या रिजल्ट इन हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज एंड कैंसर प्रॉब्लम। उसके अलावा जब आप यूज करते हैं कीवा अकाई जूस, तो इससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को आप करेंगे और ज्यादा बेहतर, क्योंकि ये इसमें बहुत शानदार बेरीज हैं, ओमेगा थ्रीज हैं, जो कम करेंगे बैड कोलेस्ट्रॉल को, बेहतर करेंगे गुड कोलेस्ट्रॉल को, ताकि जो कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल प्रोफाइल है वो रहे नॉर्मल। तो अगर आप चाहते हैं पाना शानदार बेहतरीन हार्ट हेल्थ, चाहते हैं कम करना कोलेस्ट्रॉल के लेवल को, चाहते हैं बेहतरीन इम्यूनिटी, तो आपके लिए बहुत शानदार काम करेगा कीवा अकाई जूस। उसके अलावा इसमें आप मिलते हैं बहुत शानदार मात्रा में प्लांट बेस्ड एंटीऑक्सीडेंट्स, और बहुत शानदार मात्रा में आपको मिलता है पोषक तत्व, जैसे विटामिन और मिनरल के साथ डाइट्री फाइबर, जो बेहतर करते हैं आपके हार्ट फंक्शंस को, मैनेज करते हैं डायबिटीज को, और देते हैं आपको शानदार परिणाम वेट को मैनेज करने के लिए, और देते हैं बॉडी को बेहतरीन न्यूट्रिशनल कवरेज, ताकि बॉडी को मिले शानदार मात्रा में पोषण। उसके अलावा जब आप यूज करते हैं कीवा अकाई जूस, तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें होती है बहुत शानदार डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन, यानी इसके इस्तेमाल से बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन है वो निकलेंगे बाहर, जिससे हमारे बॉडी में जो ब्लड का है सर्कुलेशन वो बनेगा और ज्यादा बेहतर, उसके साथ साथ हमारा इम्यून सिस्टम बनेगा और ज्यादा मजबूत। तो अगर आप चाहते हैं लेना इसके शानदार फायदे, इसके लिए आप ले सकते हैं 15 से लेके 30 ml कीवा अकाई जूस सुबह शाम खाली पेट, और पा सकते हैं शानदार इम्यूनिटी, शानदार हार्ट हेल्थ, शानदार पा सकते हैं आप बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन, जिससे बनेगा आपका
हार्ट या पूरी बॉडी और ज्यादा हेल्दी। तो ये चार बेहतरीन शानदार कीवा के ब्रेड का कॉम्बो है, उत्पाद है, जिसको इस्तेमाल करके आप पा सकते हैं और ज्यादा बेहतर हार्ट हेल्थ और जो भी हार्ट प्रॉब्लम उनसे आप बच सकते हैं या जो प्रॉब्लम हो चुकी है उनको आप कर सकते हैं नेचुरली कंट्रोल, नेचुरली मैनेज विदाउट एनी साइड इफेक्ट। इसके लिए कॉम्बो है क्वेंजेम क्यूटेन ड्रॉप, हार्ट केयर जूस, कोलेस्ट्रॉल केयर टैबलेट और कीवा अकाई जूस। इनका इस्तेमाल करिए, इनको यूज करिए, इसके रिजल्ट को महसूस कीजिए और करिए इसको शेयर अपने लोगों के साथ दोस्तों, ताकि उनको मिले शानदार बेहतरीन परिणाम। तो आज के इस सेशन में मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। इस शानदार कॉम्बो को यूज करिए, शेयर करिए और पाइए शानदार स्वास्थ्य और शानदार बिजनेस करने का मौका। थैंक यू वेरी मच।